हेलो सीनियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल तक हम लोगों ने कर लिया था रजिस्ट्रेशन नंबर 1 to 5। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 है वो अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका था। रजिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये के सारे के सारे रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं। अभी बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर 6 की। रजिस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 6 का क्या कहना है। रजिस्ट्रेशन नंबर 6 का कहना है, ऑन 1/1/2011 ए परचेज 5 मशीन्स ईच कॉस्टिंग ₹1,58,500 ईच फ्रॉम बी। पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड द रिमाइंडर इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 31/12/2011 विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ए राइट्स ऑफ डेप्रिशिएशन एट द रेट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर सेल्स मेथड। ऑल्सो शो हाउ द रिलेवेंट आइटम्स और रिलेवेंट ऑफ आइटम्स विल अपियर इन द बैलेंस शीट। इसको देख के आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप लोग क्या पूछा, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, इसके अंदर आप लोगों को करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसका रो डाटा बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या करना है। इसके अंदर आप लोग करना है, आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किस किस के लिए बनानी पड़ेगी, ए और बी दोनों के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको, जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको किस किस के लिए, ए के लिए, बी के लिए। लेजर अकाउंट्स आपको खोलने पड़ेंगे किस किस के, लेजर अकाउंट्स ए के और बी के, आपको दोनों के आपको लेजर अकाउंट्स भी आपको खोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी इंटरेस्ट टेबल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना कोई बड़ी बात है नहीं, आप उसका सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हो इंटरेस्ट का। तो इसके लिए एक बार अगर अपन देखें तो जो देखिए टोटल जो प्राइस है ना, टोटल प्राइस मशीन्स की वो कितनी है, ईच कॉस्टिंग 1,58,500 फ्रॉम बी, वो कितने की है। और 4 इक्वल 5 मशीन्स है, ईच का कॉस्ट पड़ रहा है आपको 1,58,500 और उसकी 1,58,500 की कितनी मशीन्स है, ये मशीन्स है 5 मशीन्स। तो टोटल जो आएगा वो आएगा 7,92,500, 7,92,500, 7,92,500। इसका 20% हो रहा है कैश डाउन, 20% हो रहा है कैश डाउन बता दीजिए, डाउन पेमेंट बता दीजिए। तो इसका 20% जो होगा वो होगा इसका 1,58,500, 1,58,500। इसका 1,58,500 हो गया। अभी देखिए आप क्या करोगे, आप लोग करोगे 7,92,500 माइनस बाय 1,58,500, 1,58,500 आंसर आएगा 6,34,000। जो बचा हुआ होगा वो होगा 6,34,000। इसी में ही आप लोग क्या करोगे, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए उसने बोला है 4। अभी देखो 4 अगर आप इसका सीधा सीधा देखो तो फर्स्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट आपकी होगी वो होगी 6,34,000 अपॉन 4, 1 मिनट, 6,34,000, 6,34,000 अपॉन 4, अपॉन 4। तो ये जो आंसर होगा ये होगा 1,58,500, 1,58,500। ये तो क्या होगा, ये हो इसकी 1,58,500। ये तो क्या होगा इसका डायरेक्टली, इसका क्या होगा 6,34,000 का जो प्रिंसिपल में से जो जो बचेगा अमाउंट, वो वाला अमाउंट है जो प्रिंसिपल से जो आपने आपका बचा है, इसके साथ ही 6,34,000 जो पूरा अमाउंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको चार्ज करने के लिए बोला गया है 10% पर एनम। तो इसका हो जाएगा 63,400, 63,400। तो 63,400, देखिए मैंने कैसे बताया आपको, 6,34,000 पूरा है, इसका 10% जो आएगा वो आएगा 63,400। सो 1,58,500 प्लस 63,400 ये निकल के आएगा 2,21,900, 60,400 इज इक्वल टू 2,21,900। ये हो गया आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बात करें यदि अपन सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी 1,58,500 प्लस। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको आपके ऊपर ड्यू था 6,34,000, उसमें से आपने पे कर दिया 1,58,500, ये आपने पे कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, 6,34,000, 6,34,000 माइनस बाई 1,58,500, तो ये लेवल क्या देगा 4,75,500, 4,75,500,
वो इसका 10% जो होगा वो होगा 47550। इसके अंदर आप प्लस कर दोगे ए 47550 प्लस 1,58,500, तो ये निकल के आएगा 2,06,050। इसमें आप प्लस कर दो 47550, तो ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी, निकल के आएगी 2,06,050, 2,06,050। टेबल से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, सीधा कहने का मतलब ये। थर्ड इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो ये आएगी 1,58,500 प्लस 1,58,500, और इसके अंदर आप लोग क्या प्लस करोगे, इसके अंदर आप लोग प्लस करोगे 1,58,500। आप लिखने के बाद में देखिए आपने क्या किया, आपने टोटल अमाउंट आपके ऊपर ड्यू था 6,34,000, 6,34,000, उसमें से आपने माइनस कर दो एक बार 1,58,500, इसमें से माइनस कर दोगे 1,58,500, और फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर चुके हो, तो आप दोबारा कर दोगे 1,58,500, जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 3,17,000, 3,17,000, 3,17,000 का 10% जो होगा वो होगा 31,700, 31,700। तो आप लोग क्या करोगे, 31,700 प्लस 1,58,500, 1,58,500, ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए वो लगी 1,90,200, 1,90,200। ये देखिए 31,700 इज इक्वल टू 1,90,200। फोर्थ इंस्टॉलमेंट निकल के आई हुई 1,58,500 प्लस, आप लोग क्या करना है, अभी आपकी जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 1,58,500, तो इसमें से आपको क्या, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,58,500, 1,500, 15,850, तो 1,58,500 प्लस 15,850, 15,850, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगी आएगी 1,74,350, 1,74,350। तो देखिए टोटल जो आपके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे बता दिया है? एक बार देखेंगे, ये है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये है थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये आपकी सेकेंड इंस्टॉल, इनको आप एक बार रफली लिख लीजिए, क्योंकि फिर मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा उसमें बार बार स्लाइड को घुमाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधे इंस्टॉलमेंट, सॉरी ये मैं फिर आपको क्या करूंगा, फिर मैं आपको सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुटअप कराऊंगा, तो फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। ओके, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी देखिए इंस्टॉलमेंट का केस खत्म, चारों की चारों बता दी, कैश डाउन कितना होना है उसका भी खेल खत्म, कैश डाउन भी मैंने आपको बता दिया कितना होना है। तो अभी क्या बात आती है, देखिए इसके अंदर मेन क्या है, इसके अंदर मेन एक तो देखिए 1,58,500 कैश डाउन करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा एसेट्स के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन है 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो देखिए एसेट्स का प्राइस कितना है, एसेट्स प्राइस तो ये है 1,58,500 इंटू 5, ये जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है 7,92,500, 7,92,500। अभी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एट द रेट 20%, इसका 20% आएगा 7,92,500 का 20% होगा 1,58,500, इसका होगा 1,58,500। अभी जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो बचेगा 7,92,500 माइनस बाय 1,58,500, तो अभी आपके पास एसेट्स बचेगी 7,92,000, ये देखिए इससे बचेगा 000 एंड 9 एंड 8, 8, 8, 9, 10, 11, 4, 8, 5, 5, 3, 7, 6, 6,34,000 की आपके पास एसेट्स और बचेंगी। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, आई थिंक इसकी जो बचेंगी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, 1 मिनट। आप लोग क्या कीजिए, मैंने कल भी आपको बोला था कि आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिए, अब जब आप इस लोग इसको करोगे 7,92,500 लेस करोगे आप उसमें से 1,58,500, तो ये जो बचेगा वो बचेगा 6,34,000, 6,34,000। अभी डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 2012, 2012, 2013, 2014, 4 ईयर है डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट 20%, और डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसी के ऊपर लगेगा, तो ये लगेगा, ये जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा जाएगा 6,34,000,
इंटू टू 20% जो होगा 1,26,800। सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा, इस सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1,26,800। तो आप इसमें से माइनस करोगे, वन मिनट, इसमें से आप जो वैल्यू माइनस करोगे वो करोगे इसकी 20% डेप्रिसिएशन जो कि है 1,26,800। वन मिनट, 1,26,800। अभी देखिए 6,34,000 में से आपको माइनस करना है 1,26,800। तो ये जो अमाउंट बचेगी बचेगी 507,200, 507,200। अभी देखिए 2 साल की बात खत्म, अभी बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, लेस डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 20%। ये भी 20% ही आएगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा इसका, ये निकल के आएगा इस थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा, ये देखिए आप देखिए इसमें से आपको क्या करना है, इसको आपको 20% इसका कैलकुलेट करने के लिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,01,440। ये इसका थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो आप लोग क्या करोगे इसकी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए 5,07,200 से आप निकाल दोगे 1,01,440। सो ये जो एसेट्स आपकी बचेगी, ये बचेगी 4,05,760। इसके बाद में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर या लास्ट ईयर, फोर ईयर तक का ही आपको इसमें डेटा शो करना है एट द रेट 20%। ये जो निकल के आएगी आएगी 4,05,71। ये जो लास्ट ईयर की, मैं बार बार इसका 10% ही लिख रहा हूँ, लेकिन 10% ही जो डेप्रिसिएशन है वो आपको चार्ज करना है 20%। तो निकल के आएगा 81,152। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, आपको इसको करना है, इसका 20% जब आप निकालोगे तो ये 81,152 ही आएगा। तो बस आपको चार ईयर का डेप्रिसिएशन ही तो चाहिए था, अभी अपन इसकी फाइनल वैल्यू क्यों निकालेंगे। तो आप लोग इसके रफ वर्क में क्या लिखेंगे, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये है डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर। ये वाला है, ये है डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर, ये वाला क्या है, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर। ओके, ये वाला है, ये जो है ये है डेप्रिसिएशन एट द रेट सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये वाला क्या है, डेप्रिसिएशन एट द रेट फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसकी डायरेक्ट हम इसका जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल के अंदर अपन इसकी एंट्रीज को करेंगे और फिर इसके अंदर डायरेक्ट जर्नल की पोस्टिंग के बाद में अपन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी रूलर, जो अपनी रूलर है उसको सही कर लेता हूँ। ओके ओके, वन मिनट, यस। सो अभी हम क्या करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए लिखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है सर, ए है हायर परचेजर, हायर परचेजर। नीचे आप लिखेंगे कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री एंट्रीज करेंगे और एंट्री जब भी आप लोग करेंगे तो मैं आपको इसके, देखिए एक बड़ा क्वेश्चन है काफी, तो अगर मैं इसके साथ इसका वो भी लिखवाने लग जाऊंगा, नरेशन भी तो एक क्लास है, बाकी बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसके लिए बेटर है कि आप लोग अपना जो नरेशन है वो आप खुद से ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी अगर आप मेरे को बोलेंगे तो नो प्रॉब्लम, मैं भी लिखवा दूंगा इसका जो वो है नरेशन है वो मैं भी लिखवा दूंगा, इसके अंदर कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है नरेशन लिखवाने में। बट इसके अंदर दिक्कत जो सबसे बड़ी आएगी वो दिक्कत ही आएगी कि इसके बाद में फिर क्या होगा, ये जो लेक्चर है बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा। सो ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी नेमिंग करता हूँ। जो जनरल का फॉर्मेट है वो बिल्कुल मेरे लिए रेडी हो चुका है बनके। यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जो आएगा ये आएगा लेजर फॉरवर्डिंग, यहाँ पे आएगी डेबिट और यहाँ पे आएगी क्रेडिट वाली अमाउंट। ओके, लेजर फॉरवर्डिंग एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली एंट्री आएगी 1/1/2011 को, वो आएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। मशीन कितने की परचेज किया आपने, 7,92,500, 7,92,500। इसके बाद में सेकंड चीज आपने देखी, इसके अंदर फिर आप नंबर डालिए 1। सेकंड बार आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट करोगे, डाउन पेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट की एंट्री होगी 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट होगी वो होगी 1,58,500, 1,58,500। थर्ड वाली जो आपकी एंट्री होगी इस क्वेश्चन के अंदर वो होगी इंटरेस्ट की, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
20 अकाउंट टेबल में पहले ही आपको बता चुका हूँ ये अमाउंट आएगी 63,400 आएगी, पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 63,400। फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर पे आप इसके अंदर एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और इसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करोगे। तो आप सबसे पहले चलिए इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं, मिस्टर 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मिस्टर 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट जो आपकी पेमेंट होगी वो होगी 2,21,900, इसका भी हम लोग पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं 2,21,900 का भी। ओके सो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम लोग करेंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो अपन चार्ज कर लेंगे। 2,21,900 से हमने एंट्री कर दी, अब हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन ही मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर कितना है 1,58,500, 1,58,500। सिक्स्थ बार अपन क्या करेंगे, सिक्स्थ वाली एंट्री में अपन प्रॉफिट एंड लॉस इसको सेटअप कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन में जो अपनी अमाउंट गई थी वो थी 1,58,500 और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है अपना वो है 63,400। जब आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 2,21,900। ओके सो फर्स्ट ईयर की जो एंट्रीज हैं आपकी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चलेंगे आगे सेकंड जो अपनी एंट्रीज होंगी सेकंड ईयर की उनकी तरफ अभी हम लोग आगे चलेंगे। सो चलिए इसके लिए देखिए सबसे पहले जो अपना यहाँ पे जो अपना ये जो लेजर है ये नीचे से थोड़ा बिगड़ चुका है, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको सही करने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसके आगे का जो जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं और अपनी जो आगे की जनरल एंट्रीज है उनको कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले डेट वाला कॉलम है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये भी माई वाइट बोर्ड खुल रहा है, ओके 1 मिनट। एंड देन लेजर फॉरवर्डिंग का कॉलम है, उसको भी अपन को थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा। बाकी लेजर फॉरवर्डिंग हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब से ऑनलाइन ये चालू हुआ है अकाउंटिंग वाला सिस्टम और जब से अपन इसको सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करने लगे हैं तब से तो इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है, लेकिन ये जब अगर अपन बात करें पहले की जब जो बुक्स ऑफ अकाउंट थे वो प्रिपेयर किए जाते थे नोटबुक्स के अंदर रजिस्टर्स के अंदर, उस समय ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता था लेजर फॉरवर्डिंग भी, बट अब तो इसका ज़्यादा कुछ यूज़ रहा नहीं है। बाकी फिर भी देखिए जो चीज़ें पहले की थी वो रूल्स वगैरह हैं वो अपन अकाउंटेंसी में वो अपने को फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर का एंट्री कंप्लीट और सेकेंड ईयर का अपना फॉर्मेट भी है वो भी अपना बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन बनाते हैं इससे आगे का, इससे आगे अपनी कौन सी ईयर आएगी, इससे आगे अपनी आएगी 31/12/2012। तो उस समय अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सबसे पहले, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट। सो इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47,550 और यहाँ पे भी आएगा 47,550। अभी आप इस साल सेकंड बार आप क्या करोगे, इसी ईयर में आप लोग सेकंड बार आप लोग करोगे बी को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे तो आएगा 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो बी को आप पेमेंट करोगे वो आप करोगे 2,06,050। थर्ड टाइम आप क्या करोगे इसी के अंदर, इसी ईयर के अंदर आप लोग थर्ड टाइम करोगे डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करोगे, तो आप लोग एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप लोग इसको दोगे वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो आएगा 1,26,800। ओके फोर्थ में आप क्या करोगे, फोर्थ में आप लोग करोगे प्रॉफिट एंड लॉस से उसको चार्ज कर दोगे, सेटअप कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन में जो आपकी वैल्यू थी वो थी 1,26,800, इंटरेस्ट में आपकी थी 47,550, ऊपर से भी आप लोग देख सकते हो टोटल आएगा 1,74,350। ओके सेकेंड ईयर भी कंप्लीट अपनी, ये भी जो अपन एंट्री कर रहे हैं अपन कर रहे हैं हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज अपन पास कर रहे हैं जिसका क्या नाम है इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर, हायर परचेजर मींस इन द बुक्स ऑफ ए। ओके तो चलिए अभी अपन क्या करते हैं आगे चलते हैं और आगे की जो भी अपनी जनरल एंट्रीज है उनको अपन दोबारा कैरी ऑन करते हैं, फॉर्मेट को अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वन मिनट हम लोग जो है आगे की जो भी है अपनी जनरल एंट्रीज उनको हम कैरी ऑन करते हैं 1 मिनट। सो यहाँ तक की जो अपनी जनरल एंट्रीज है वो अपन ने 2 साल की जो अपनी जनरल एंट्रीज है वो अपन कर चुके हैं,
सो इसके साथ बाद में जो आपकी जनरल एंट्रीज बची हैं वो सिर्फ 2 ईयर्स की ही बची हैं, 2011-12 की आप लोग जनरल एंट्रीज कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मांगा था 2011-12-13 एंड देन 14, तो 2011 की आप लोगों ने कर ली है, 2012 की आप लोगों ने कर ली है। अभी जो एंट्रीज बची हैं करने के लिए वो बची हैं एंट्रीज 2013 की और 2014 की। और देखिए फर्स्ट ईयर में एंट्रीज ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उस समय अपने को एक साथ ही इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना होता है, एक साथ ही हम लोग इंस्टॉलमेंट ही पे करना होता है, डाउन पेमेंट ही पे करना होता है, बाकी इससे बाद में तो आगे कुछ इतना कुछ करना नहीं होता। तो अभी अपन थर्ड ईयर में किसकी एंट्री करेंगे, 31/12/2013, इसमें हम फर्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। तो अपन कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, टू बीस अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। तो ये जो अमाउंट आएगी आएगी 31,700, 31,700। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमने कर दिया, अब हम करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बी के अमाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 1,90,200, 1,90,200। थर्ड ईयर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,01,440, 1,01,440। फोर्थ टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इनको क्या करेंगे सेट ऑफ करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके सो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से जब हम इसको करेंगे तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो अपनी है 1,01,440 और जो इंटरेस्ट की अपनी वैल्यू है वो अपनी है 31,700। सो जो टोटल इसका आएगा वो इसका निकल के आएगा 1,33,140, 1,33,140। सो अभी देखिए अपनी ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी, अभी अपनी बची है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर फोर्थ ईयर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जनरल का फॉर्मेट और आगे बढ़ा देते हैं और फिर इसके बाद में इसकी इन द बुक्स ऑफ ए के अंदर जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। तो फिर इसके बाद में अपना काम क्या बचेगा, इसके बाद में अपना काम बचेगा हम लोग इसके बाद में उसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ये हायर परचेजर की बुक्स है, तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट भी बनेगा। जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की वो भी उसी अकाउंट के अंदर पास होगी। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम आएंगे इन द बुक्स ऑफ बी, हम लोग बी की बुक्स में आएंगे और बी की बुक्स में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बनाएंगे एस अकाउंट, हम वहाँ पे ए का अकाउंट बनाएंगे और उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे दोनों की, जो मैंने पहले ही आपको बता दी थी। और जो पहले जो मैंने आपको वर्किंग कराई थी, ये वर्किंग मैंने इसलिए कराई थी आपको ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों को कैसे क्या क्या वर्किंग्स करनी है। ओके सो मैं भी थोड़ा सा 1 मिनट, मैं भी पेन को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ओके सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपनी जो आगे की जनरल एंट्रीज हैं उनको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो 1 मिनट, स्केल का नाउ इट इज यूज। तो फिफ्थ नंबर अभी जो अपनी ईयर होगी वो होगी 31/12/2014 और ईयर होगी वो होगी ईयर नंबर 1। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट होगी वो होगी 15,850, 15,850। सेकेंड टाइम आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, आप लोग इसके अंदर करोगे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, तो आएगा 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1,74,350, 1,74,350। 1 मिनट, 1,74,350 हम लोगों ने कर लिया। थर्ड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके बता दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, 81,152, 81,152। फोर्थ ईयर में फोर्थ टाइम पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सेट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा ना उस सभी का एक क्या है पूरा, एक पूरे इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें जो पूरा पहले का पढ़ा वो पूरा फ्रेशअप हो जाएगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, वो जाएगा 15,850। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, 97,002। अभी देखिए जनरल एंट्रीज जो है वो आप लोग कर चुके हैं पास, अभी आप लोगों का क्या काम बनता है, अभी आप लोगों का वर्क है कि आप लोग क्या करो, आप लोग इसके अंदर जो मशीनरी अकाउंट है उसको हम लोग अभी इसके अंदर बनाएं, ये अपन का अपना वर्क है फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके नाउ इट इज आई थिंक इट्स कंफर्टेबल फॉर यू एंड मी ऑल्सो।
ओके सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बनाते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। सो हम ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ओके ओके सो वी विल राइट डाउन हियर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया लगता है मेरे को, एक बार मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, 1 मिनट। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट क्या होता है सर, मशीनरी अकाउंट एक लेजर अकाउंट जैसा ही होता है, जैसे आप लोग पहले लेजर अकाउंट बनाते थे वैसा ही एक अकाउंट है। इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को, 1 मिनट। मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ उसको, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेबिट साइड होगा, यहाँ पे होगी क्रेडिट साइड। सो अभी मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ जल्दी से। तो फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का बिल्कुल जैसा पहले और लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बनता है वैसा ही एक अकाउंट बनेगा। यहाँ पे आएगा डेट, तो सबसे पहले मैंने डेट का कॉलम बना लिया। डेट भी इस क्वेश्चन के अंदर आएंगी क्योंकि आपको दे रखी है डेट्स। ईयर्स भी आपको 4 की एंट्री कराइए तो 4 ईयर्स की डेट्स आपको दे रखी है। सो बेटर है कि हम लोग इसके डेट्स और डेट को भी लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते अगर क्वेश्चन वाला जो हमारा जो एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट ले तो कि इस पे मार्क्स क्यों काटे। फॉर्मेट के अंदर अगर आपने डेट नहीं भर रखी है तो द एग्जामिनर इज लाइबल टू डिडक्ट योर सम मार्क्स। अब मेरे वर्ड्स को गौर करके सुनिए, सम मार्क्स, मैं नहीं बोल रहा कि वो आपको पूरा ही मार्क्स काट सकता है, बट सम मार्क्स ही इज लाइबल टू डिडक्ट बिकॉज दैट्स वाई ही इज नोन एज एग्जामिनर, दैट्स वाई ही इज द ही इज मेड एज एग्जामिनर फ्रॉम इंस्टीट्यूट। सो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके सो ये भी अपना मशीनरी अकाउंट है, जो लेजर अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, ये हम लोग बल्कि बिल्कुल तैयार है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अमाउंट, अगेन यहाँ पे डेट, अगेन यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और अगेन यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट। ओके सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री होगी 1/1/2011 को, 1/1/2011 को। उस समय क्या होगा, टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी, और हमने अमाउंट का पेमेंट कर दिया 7,92,500। फिर इधर क्या होगा, 31/12/2011 को, 31/12/2011 को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट्स के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो होगा 1,58,500। इसी सेम ईयर को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ले लेंगे, तो फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन में आएगा 6,34,000। टोटल आप जब इसका करोगे तो इसका आ जाएगा 7,92,500, और इधर भी क्या आ जाएगा, 7,92,500। ओके अभी देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और फिर अपन इसकी एंट्री करेंगे 1/1/2012 को। अपना क्या होगा, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, ये अपना बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और जो बैलेंस ब्रोट डाउन है ये है 6,34,000, 6,34,000 का जो बैलेंस ब्रोट डाउन है। और फिर हम क्या करेंगे, 31/12/2012, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन में हम लोग लिख देंगे 1,26,800, 1,26,800। दोबारा से हम वही करेंगे, इसको बैलेंस सीडी में कैरी डाउन में लेके जाएंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जो एक बैलेंस कैरी डाउन बचेगा ये बचेगा 5,07,200, और जब इसका टोटल करोगे तो आएगा 6,34,000, अगेन यहाँ पे 6,34,000। अभी देखिए इसी के साथ अपनी जो ईयर नंबर सेकंड थी वो भी कंप्लीट हो चुकी। अभी अपन आएंगे 1/1/2013 को, तो ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और ये जो अमाउंट होगी ये होगी 5,07,200। फिर अगेन 31/12 एंड देन 2013 हम लोग लिख चार्ज करेंगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो होगा थर्ड ईयर का 1,01,000, 1,01,440। फिर अगेन इसी ईयर में हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन करने के लिए हम इसका टोटल मारेंगे 5,07,200। इधर भी क्या टोटल आना चाहिए, 5,07,200। तो इसके लिए इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 4,05,760। ओके अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी नेक्स्ट ईयर होगी मीन्स 1/1/2014, उस समय हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा 4,05,760। तो इसी ईयर हम लोग क्या करेंगे, इसी ईयर हम लोग करेंगे 31/12/2014 में ही हम लोग एक चीज़ और करेंगे, वो करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 31/12/2014 में हम लोग क्या करेंगे, बाय
डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन जो हम लोग चार्ज करेंगे वो करेंगे 81,152, और फिर इसी ईयर हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और जो बैलेंस कैरीड डाउन बचेगा वो बचेगा 3,24,000, 3,24,608 रुपीज़ की जो मशीन है ये अभी भी बची हुई है। टोटल अपन करेंगे 4,05,760, इधर भी टोटल करेंगे 4,05,760। ओके तो अभी देखिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट जनरल चीज बता रहा हूँ कि बैलेंस सीडी है ना, ये डेप्रिसिएशन काटने के बाद जितनी मशीन की प्राइस बच रही है वो है बैलेंस सीडी, यहाँ पर बैलेंस सीडी ये वही है, ये वही प्राइस है कि मशीन बची कितने की है। और ये देखो मेरे अभी आप मेरी राइटिंग पे आप लोग मत जाना, क्योंकि देखो मैं नोट पैड पर लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की राइटिंग मुझसे कई गुना अच्छी आने वाली है, लेकिन ये आप लोग इसको समझाने की पर्पज के लिए, बाद में इसके बाद में आप इसको खुद से भी तो लिखोगे। सो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसके अंदर बनाएंगे मिस्टर बीज अकाउंट, जो हायर वेंडर अकाउंट है वो भी इसके अंदर बनाया जाएगा। तो हम लोग ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, मिस्टर बीज अकाउंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन कराने के बाद में मैं इस क्लास को एंड करूंगा, सो इस क्वेश्चन को करते हैं चलिए फटाफट फटाफट। ओके ये डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट, ओके सो इस डेबिट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट, इस डेबिट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट, ओके इस डेबिट एंड इट्स क्रेडिट, ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर बी का अकाउंट बना लेते हैं, तो इसके लिए हम अगेन अपनी जो स्केल है उसकी सहायता लेंगे। तो चलिए अपनी स्केल को हम लोग स्क्रीन पर आने बाद उससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कि देखिए स्केल की अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो फ्री अकाउंट आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि फ्री अकाउंट से अच्छे तरीके से अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे। 1 मिनट, सो बेटर है कि हम लोग 2-3 मिनट का इससे अच्छा तो वेट ही कर लें, ताकि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो कम से कम अच्छी बने और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं हो। बाकी अगर फिर भी आपको कोई समझने में दिक्कत होती है तो मैंने आपको बता ही रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप CMA.Adda को ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी जल्द ही आप लोग डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस है वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमको ज्वाइन कीजिए, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फॉर यू, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमको कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपके जो क्वेरीज हैं क्वेश्चन हैं उनका हम लोग बिल्कुल आपको आंसर देंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आपको आंसर नहीं आएगा। आप जब भी हमको कमेंट करेंगे तो उसके 24 आवर्स आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके सो चलिए मैं इसकी जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके डेट पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, ओके। चलिए अभी हम लोग करते हैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट, तो 1/1/2011 को क्या हुआ होगा, 1 मिनट, अभी अमाउंट वाला जो है 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल सही आपके लिए, ओके ओके अमाउंट। तो देखिए फर्स्ट ईयर आपको क्या होगा, 1/1/2011 को फर्स्ट, वन मिनट, ओ माय गॉड शिट, ये थोड़ा सा जूम हो गया है, इसको लगा कि हम आपको जूम कर रहे हैं, इसको जूम आउट कर रहे हैं हम इसको, जूम तो पहले से ही था और फिर इसको लगा कि हम इसको जूम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 मिनट आई थिंक आपकी क्लास के लिए 1 मिनट का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है इसकी वजह से, बाकी ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, मैं इसको दोबारा से जूम इन कर देता हूँ, 1 मिनट, ये थोड़ा सा यस ये खुल गया मिस्टर बीस अकाउंट, ओके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके सो दिस इज मिस्टर बीस अकाउंट, 1 मिनट, यस चलिए स्टार्ट। ये थोड़ा सा अकाउंट भी उस समय अपना पेज की जो साइज थी वो कुछ और थी, इसलिए अपने देख नहीं पाए हम लोग, तो ये मिस्टर बीस अकाउंट है। मिस्टर बीस अकाउंट में आप क्या करेंगे, 1/1/2011 को आप लोग लिखोगे टू बैंक अकाउंट 1,58,500, ये आपकी जो डाउन पेमेंट दी थी उसका है, और 1/1/2011 को ही आप लोग क्या करोगे, मशीनरी परचेज करोगे, तो मशीनरी परचेज की आप क्या करोगे, बाय मशीनरी अकाउंट जो अमाउंट थी वो थी 7,92,500। इसी डेट को आप क्या करोगे, 31/12/2011 को आप क्या करोगे, 31/12/2011 को आप करोगे इसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट और जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 2,21,900 थी। इसी ईयर आपने क्या किया होगा, इसी ईयर आपने उसको इंटरेस्ट भी किया होगा कैलकुलेट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट जो था वो था 63,400। तो इसी ईयर आप लोग क्या करोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस भी आपको कुछ मिला होगा कैरी डाउन करने के लिए, और जो इसका टोटल मारोगे आप लोग इधर, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 8,55,900,
8,55,900। बैलेंस जो कैरी करने के लिए बचेगा वो बचेगा 4,75,500, 4,75,500। ओके, सेकेंड ईयर आप क्या करोगे, 1/1/2012 को, 1/1/2012 को आप करोगे बाय 1 मिनट, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये डेट में थोड़ी दिक्कत हो गई। 1/1/2012 को आप क्या करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बैलेंस होगा वो बचेगा 4,75,500। इसी ईयर आप लोग क्या करोगे, इसी ईयर आप लोग करोगे 31/12 को इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी वो होगी 47,550। और इसी ईयर आप लोग क्या करोगे, 1/1/2012 को आप लोग क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से क्या जाएगी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो होगी 2,06,000, 2,06,500। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अमाउंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसके अंदर, 2,06,000 इसका जो अमाउंट जो आता है वो आता, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। ओके, टू बैंक अकाउंट आप लोग लिखोगे, और बैंक अकाउंट में आप लोग कितनी वैल्यू लिखोगे, जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी ना वो आप लोगों को इस बैंक अकाउंट में लिखनी थी, तो टू बैंक अकाउंट में इसके अंदर आएगा 2,06,050, 2,06,050। ओके, और इसी ईयर आप लोग क्या करोगे, 31/12, ये 1/1/12 को नहीं होगी, ये भी क्या होगी, 31/12 को ही होगी। 1 मिनट, ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखना है हम लोगों को, मैं जल्दी जल्दी में इसको लिख दिया, 31/12/2012 को टू बैंक से होगा, और ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन में बचेगा 3,17,000, 3,17,000। टोटल आप इसका करोगे तो इसका टोटल बनेगा 5,23,050, 5,23,050। यह भी क्या आएगा, 5,23,050। अभी आप लोग क्या करोगे, 1/1/2013 को इसको बना लोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आप लोग इसको क्या बना लोगे, आप लोग इसको बना लोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। 1 मिनट, 1 मिनट, ओके, बाय 1 मिनट, 1 मिनट, आप इसको बना लोगे 1/1/13 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और बैलेंस ब्रोट डाउन आप कितना करोगे, 3,17,000, 3,17,000 आप बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बना लोगे। अभी इसी ईयर आप क्या करोगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे 31/12/2013 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा 31,700। फिर इसी ईयर आप क्या करोगे, 31/12/2013 को आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, आप इसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट का जो आप पेमेंट करोगे वो होगा 1,90,200, 1,90,200। इसी ईयर फिर क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल जो इसका आएगा वो इसका आएगा 3,48,700, 3,48,700, 3,48,700। ओके, और जो इसमें इसका बैलेंस सीडी बचेगा वो बचेगा 1,58,500, 1,58,500। ओके, अभी बात किसकी आएगी, अभी बात आएगी लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर जो आपकी होगी वो होगी 1/1/2014, तो 1/1/2014 आप यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2014, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और ये होगा 1,58,500। इसी ईयर आप लोग क्या करोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में आप लोग डालोगे 15,850, जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 1,74,350। इधर भी क्या आना चाहिए टोटल, 1,74,350। तो इस साल भी क्या करोगे, 31/12/2014 को भी आप लोग क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जाएगा वो जाएगा 1,74,350 का, पूरा पूरा इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका जो बी अकाउंट है वो भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग बनाओगे इसके लिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आप लोग जब बनाओगे तो आप ऊपर ही ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए आप क्या बनाओगे, सबसे पहले लाइबिलिटीज बनाओगे, एक साइड आप कॉलम बनाओगे लाइबिलिटीज का, तो 1 मिनट मैं इधर लिख देता हूँ, इधर से अपनी जो बैलेंस शीट है वो स्टार्ट होगी। 1 मिनट, ओके, तो बैलेंस शीट इसके लिए देखो, आपने अभी तक बैलेंस शीट जो देखी होंगी वो बैलेंस शीट आपने अभी तक देखी होंगी जो एक ही ईयर के लिए होती है, लेकिन जो अब जो बैलेंस शीट अपन बनाएंगे वो अपन बनाएंगे इसके लिए बहुत सारी ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे ईयर 2011, 12, 13, 14, और सेम गोज विथ एसेट्स ऑल्सो, सेम ही एसेट्स के साथ, एसेट्स के लिए भी होगा क्योंकि बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के लिए अपने को कितनी ईयर के लिए बनानी होगी, 4 ईयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 4 ईयर्स है,
सो 2011, 12, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया, बाकी इतना ज़्यादा बड़ा बनने की जरूरत है नहीं आपको, आप लोग जब कॉपी बनाए तो छोटा ही बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत है नहीं। इधर वाली साइड की होगी, इधर वाली साइड होगी एसेट्स अकाउंट, और फिर इधर भी 4 ईयर्स के डेटा अपने को लिखने हैं, 2011, 2012, 2013 एंड देन 14, ओके 13 एंड देन 2014, ओके। सो यहाँ पे ऊपर ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखोगी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ये किसकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए है। तो लाइबिलिटीज में आप लोग लिखोगे 2011, 2012, 2013 एंड देन 2014। इसके बाद इधर आप लोग क्या लिखोगे, इसके बाद इधर आप लोग लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स में भी आप क्या लिखोगे 2011, 2012, 2013 एंड देन अगेन 2014, ओके। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे मिस्टर बी, मिस्टर बी का अमाउंट आप लोग लिखोगे लोन के लिए, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे मिस्टर बीस अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, अकाउंट आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप सीधा इसको ये भी लिख सकते हैं मिस्टर बी, वन मिनट, मिस्टर बी, और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख दोगे लोन। इस वाली ईयर में आप लिखोगे 4,75,500, 4,75,500, इस वाली ईयर में आप लिखोगे 3,17,000, 3,17,000, इस वाली ईयर में आप लिखोगे 1,58,000, 1,58,500, और इस वाली ईयर में तो कुछ लोन बचा ही नहीं था, 2014 में तो आपने पे ही कर दिया था, तो इस ईयर में तो कुछ आएगा नहीं। इधर आप लिखोगे मशीनरी, मशीनरी, और इसमें से आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप यहाँ भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, तो मशीनरी की वैल्यू आएगी 7,92,500, 7,92,500, इससे आप लोग माइनस करोगे 1,58,500, इससे आप माइनस जब आप करोगे तो इसकी जो नेट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6,34,000, 6,34,000। 2012 की जब हम बात करें तो ये बचेगी 6,34,000 की, और इसमें से आप लोग लेस करोगे इसका डेप्रिसिएशन जो बचेगा 1,26,800, 1,26,800 इसका डेप्रिसिएशन है, तो इसकी जो नेट वैल्यू बचेगी वो बचेगी इसकी 5,07,200, 5,07,200। अभी इस साल की क्या बचेगी 5,07,200, इसमें से आप इसका क्या करोगे डेप्रिसिएशन लेस करोगे, डेप्रिसिएशन जो बनेगा वो बनेगा 1,01,440, 1,01,440, तो बचेगी 4,05,760, 4,05,760। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा 4,05,760, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करोगे 81,152, जो टोटल अमाउंट जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा 3,24,608, 3,24,608, ओके। तो यहाँ तक आपने बैलेंस शीट भी बना ली है, और आपकी जो बुक्स ऑफ ए के अंदर जो भी आपको ऑपरेशंस करने थे वो आप लोग कर चुके हैं इन द बुक्स ऑफ ए। अभी आप लोग हेडिंग डालिए इन द बुक्स ऑफ बी हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ बी हायर वेंडर, हायर वेंडर, और यहाँ पे होगी सेल्स मेथड, सेल्स मेथड, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आप लोग करने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप बेटर रहेगा कि बिना नरेशन भी अगर आप करेंगे तो एक पेज तो आप पूरा बना लीजिए इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए, ओके। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, तो जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले इधर आती है डेट, डेट का फॉर्मेट मैं भी बना लेता हूँ, 1 मिनट, ओके, डेट, डेट हम लोग लिखेंगे तीनों में, ओके। फिर पर्टिकुलर्स आता है तो पर्टिकुलर्स के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना लूँगा ताकि फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये बना लेंगे हम लोग लेजर फॉरवर्डिंग के लिए, मैंने डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डेट, 1 मिनट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉरवर्डिंग, डेबिट एंड देन क्रेडिट, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। सो सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आएगी 1/1/2011 को, वो आएगी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट होगी वो होगी 7,92,500, 7,92,500, 7,92,500। फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग 1/1/2011 को ही आप लोग क्या करोगे बैंक से पैसे प्राप्त करोगे डाउन पेमेंट के, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, टू एस अकाउंट,
बैंक से आप लोग पेमेंट रिसीव करोगे तो ये पेमेंट होगा 1,58,500 रुपीज़ का, 1,58,500 रुपीज़ का। फिर आप लोग क्या करोगे, 31/12/2011 की आप बात करोगे तो उस समय आप लोग क्या करोगे कि आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। तो आप लोग क्या एंट्री करोगे, एज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट। ये सारी की सारी एंट्रीज मैंने आपको जो इस चैप्टर की थ्योरेटिकल वाली क्लास थी उसके अंदर करा लेती थी। एज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 63,400 एंड देन अगेन 63,400। ओके, फिर आप इसी ईयर में 31/12/2011 को ही आप लोग एक एंट्री और करोगे जब आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, तो जो ये वाली एंट्री होगी होगी 2,21,900 की जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस आपके जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो आपको मिल चुका है। अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे, राइट ऑफ, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 63,400। ये आपका खो गया। अभी देखिए, अभी जो आपकी फर्स्ट ईयर थी वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी बात करेंगे हम लोग सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर की बात करने से पहले मैं अपने जनरल को फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि फिर अपन इसको अगर अपन आगे करने के बाद में अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर क्या है पूरी ईयर की एंट्री अपन एक साथ नहीं कर पाएंगे। कहीं भी अगर ये जनरल का फॉर्मेट है छोटा पड़ा, अपनी जनरल एंट्रीज वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सो इसके लिए चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने जनरल के फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं 1 मिनट। ओके, जो बीच में जो लाइन हो चुकी है इसको बाद में रेस करूँगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस फॉर्मेट को। अभी देखिए लाजमी भी है बड़ा करना क्योंकि 4 ईयर्स के डेटा हम लोगों को दे रखे हैं और ये जो फॉर्मेट अपना ये अभी अपना छोटा है बिल्कुल। सो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा पहले आगे बढ़ाएंगे और फिर ही इसके बाद में इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा बड़ा तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर देखिए हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों की जितने भी अकाउंट्स इसमें पॉसिबल हैं वो सारे के सारे बनवा रखे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा तो है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चलिए मैं अभी इसका इरेजर का उपयोग करके इन लाइंस को मिटा लेता हूँ। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर जो अपनी होगी वो अपनी ईयर होगी 31/12/2012 को हम लोग करेंगे, वो अपन करेंगे एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हम लोग इंटरेस्ट को देखेंगे कितना है, एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो एंट्री होगी ये होगी एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और ये एंट्री होगी 47,550। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बैंक से इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे इसी ईयर को, इसी डेट को, सेम डेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट बैंक से हम लोग रिसीव करेंगे 2,06,050 बैंक से रिसीव करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर दीजिए, राइट ऑफ मान लीजिए की बात है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 47,550। सेकेंड ईयर है वो भी बिल्कुल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन बात करेंगे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर के दोबारा मैं अपना पेन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, पेन जो है वो अपना चेंज कर लेता हूँ। तो पेन चेंज करेंगे फिर हम लिखेंगे 31/12/2013 और इसमें एंट्री होगी एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट और जो अमाउंट आई हुआ है 31,700। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बैंक से इसको पेमेंट करेंगे, बैंक से अपने पास पैसा आएगा अपने पास, तो अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। टू एस अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट आई हुआ है 1,90,200 की, 1,90,200। इसके बाद में अपन जो इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर करेंगे P&L में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो अमाउंट होगी वो होगी 31,700। ओके, फिर अपन लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर की बात करेंगे। तो लास्ट ईयर जो अपनी होगी वो होगी 31/12/2014। उससे में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट जो है उसका वो देखेंगे एस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट जो होगी वो होगी 15,850। दोबारा से हम क्या लिखेंगे, 15,850। 15,850 हमने लिख लिया। अभी अपन लोग क्या करेंगे, बैंक से ये जो पैसा ये रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 1,74,350। अगेन 1,74,350। इसके बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट जो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अमाउंट होगी वो होगी 15,850 एंड देन अगेन 15,850। इसी के साथ आपकी जो हायर बेंडर की जो बुक्स थी 20 बुक्स, उसके अंदर आपका जनरल था वो बिल्कुल कंप्लीट है। अभी इसके अंदर बचा है सिर्फ मिस्टर ए अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर ए का अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मेट्स भी बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कैरी ऑन करेंगे आगे का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं मिस्टर एस अकाउंट। वन मिनट ओके, वन मिनट ओके। सो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मिस्टर एस अकाउंट, मिस्टर एस अकाउंट। ये वाली साइड होगी डेबिट साइड, ये वाली साइड होगी क्रेडिट साइड। पूरा फॉर्मेट के साथ अगर आप लोग जितना फॉर्मेट के साथ चलोगे उतनी ही आपकी अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप लोगों के क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ओके, वन मिनट, ये जो स्केल है ये में थोड़ा सा अपना टेढ़ा हो चुका है। वन मिनट ओके, नाउ इट्स गुड। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डेट, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे डेट। ये बार बार वैसे आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों को जस्ट ये पहली बार ही नहीं, आपने इससे पहले भी खूब सारे, जब आप 11th में थे, 12th में थे, या फिर जब आप ग्रेजुएशन में थे, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो उस समय भी आप लोगों ने अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत से बनाए होंगे फॉर्मेट्स वगैरह। ओके, सो डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम जो है अपना डेबिट साइड अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग चल रहे हैं क्रेडिट साइड की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएगा अपना अमाउंट। ओके, सो सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, और जब मैं इसकी नेमिंग करूँगा तो सबसे पहले मैं इसको क्रेडिट वाला जो है ये मैंने बहुत दूर लिख दिया, तो हम इसको भी पास में लिखने के लिए यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। वन मिनट, ये थोड़ा सा कर्सर के पास में हो गया, नाउ इट इज गुड। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए मिस्टर ए का अकाउंट है, ये भी अपन बनाने वाले हैं। सबसे पहले जब सबसे फर्स्ट एंट्री होगी, द फर्स्ट सुपर फर्स्ट एंट्री, सो जो वाली एंट्री होगी 1/1/2011 को सबसे पहली एंट्री होगी, और 1/1/2011 को जो एंट्री होगी ये होगी टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसके लिए देखिए जो इसने बेचा उसके लिए, इसके लिए सेल्स है, तो हम करेंगे 1/1/2011 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और जो एंड ये होगी 7,92,500 से होगी ये। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1/1/2011 को इससे डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 1,58,500। फिर करेंगे 31/12 को, इसी ईयर को 31/12/2011 को हम करेंगे बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट। ये तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे डाउन पेमेंट, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा INST इंस्टॉलमेंट, तो ये लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। और ये होगी 2,21,900। इसी ईयर को फिर हम लोग क्या करेंगे 31/12/2011 को, और इधर एक मिनट आप लोग इधर क्या करेंगे, 31/12/2011 को आप लोग क्या करोगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 63,400। फिर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जो टोटल इस साइड का आएगा ये आएगा 8,55,900 इस साइड का टोटल आएगा। इस साइड का भी टोटल क्या आएगा 8,55,900। इस साइड का भी सेम टोटल आएगा 8,55,900, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 4,75,500। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/1/2012 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा 4,75,500, 4,75,500 टू बैलेंस ब्रोट डाउन होगा। फिर 31/12/2012 को हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा 47,550। फिर इसी ईयर हम लोग क्या करेंगे, 31/12/2012 को हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव, तो बाय
बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री होगी वो होगी 2,06,050 से 2,06,050, और फिर इसी ईयर जाएगा बाय बैलेंस। अभी इसके बाद क्या जाएगा, अभी इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसके बाद में जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल जब आप इसका करोगे तो इसका टोटल आएगा 5,23,050, 5,23,050। यही साइड, यही सी साइड का टोटल आएगा 5,23,050। टोटल जब आप इसको करोगे, इसका जो बैलेंस निकालोगे आएगा 3,17,000, 3,17,000। 1/1/2013 को ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, 1/1/2013, 1/1/2013 ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। टू बैलेंस ब्रोट डाउन में आपका आएगा 3,17,000, 3,17,000, 3,17,000 टू बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा, और 31/12/2013 को आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट वो आएगा 31,700। ओके, अभी 31/12/2013 को हम लोग बाई वही सेम प्रोसेस द्वारा फॉलो करेंगे, बैंक से हम क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे बाय बैंक अकाउंट, वो होगी 1,90,200। ये कितना था यहाँ पे, ये था 5 लाख, ये थोड़ा सा निकालेंगे इस 5,50,000, ये हो गया 1,90,200। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 31/12/2013 को हम लोग करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल आएगा 3,48,700, 3,48,700, 3,48,700। इसका भी टोटल आ जाएगा 3,48,700। बैलेंस कैरी डाउन में जाएगा 1,58,500, 1,58,500। ओके, अभी देखिए 3 ईयर का जो अपना अकाउंट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो मिस्टर ए के अंदर जो पोस्टिंग होनी है वो होनी है लास्ट ईयर की, तो इसके लिए मैं अपना अकाउंट थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। यस, इधर वाला जो आइटम है इसको आप इग्नोर कीजिए बिल्कुल, वर्डमेट में इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा काट भी देता हूँ ताकि आप लोग ये देख ज़्यादा दिखेगा तो आप लोग दोबारा कन्फ्यूज होंगे वर्डमेट। ओके, तो ये वाला जो अमाउंट है इनको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और आप अपने अकाउंट्स पे ध्यान दीजिए। तो ये अकाउंट अपना बचेगा 1/1/2014 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये जो अमाउंट आएगी आएगी 1,58,500। ओके, और 31/12/2014 को क्या होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का कंपटीशन होगा, इंटरेस्ट आएगा 15,850। टोटल करोगे तो इसका टोटल बनेगा 1,74,350, 1,74,350, और ये आएगा 31/12/2014 को आप लोग करोगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी हायर वेंडर को, वो होगी 1,74,350, मतलब कि पूरा पूरा अकाउंट हो जाएगा सेटल 1,74,350 से। ओके, सो अभी देखिए अभी हमने बची है इस क्वेश्चन के अंदर ओनली इसकी बैलेंस शीट बची है, और बैलेंस शीट भी हमने ए जो हायर परचेजर था उसकी बैलेंस शीट हम लोग पहले ही बना चुके थे। अभी जो अपना बचा है वो बचा हमारा बचा है हायर वेंडर की बुक्स की, हायर वेंडर की बैलेंस शीट बनानी, तो उसमें ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगेगा। तो चलिए अपन क्या करते हैं, हायर वेंडर की बैलेंस शीट बनाते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऊपर ही ऊपर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और ये किसकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है हायर वेंडर की जो है बी, हायर वेंडर की बैलेंस शीट है बी की। तो इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में तो कुछ आएगा नहीं, तो लाइबिलिटीज का अगर फिर भी आप चाहो तो बना सकते हो कॉलम, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइबिलिटीज इधर आप लिख दीजिए लाइबिलिटीज, इधर 2011, 2012 एंड देन 2013 एंड देन 2014। ओके, लाइबिलिटी साइड में इस समय इस साइड इसलिए कुछ भी, इसलिए देखो ए के लिए लाइबिलिटीज इसलिए आ गया था क्योंकि उसने जो एसेट जो उसने परचेज की थी वो उसने किस पे की थी, लोन पे परचेज की थी, इसलिए आ गया था। लेकिन इसका तो कोई लोन है ही नहीं किसी के साथ, ये तो सेलर है, और सेलर की लाइबिलिटीज क्या होगी, उसकी तो एसेट्स बन रही है कि उसका माल है वो बिक रहा है, उसके जो आइटम है गुड्स है वो बिक रहा है, तो उसके लिए तो वो क्या बन जाएगा, वो एसेट्स बन जाएगा उसके लिए। तो लाइबिलिटी साइड में इसलिए इसकी बैलेंस शीट में अगर आप लाइबिलिटी साइड छोटा सा मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि देखिए हमको पता है कि लाइबिलिटी सही साइड है खाली रहने वाली है, तो फिर हम इसके लिए इतना ज़्यादा क्यों बनाएं, इसको इतना बर्डन क्यों बनाएं इसके लिए इतना ज़्यादा। इधर आप देखेंगे एसेट्स, एसेट्स में जो है वो अमाउंट आएंगी और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए आएंगी, तो 2011 का कॉलम, 2012 का कॉलम, 1 मिनट, 2012 का कॉलम एंड देन 2013 का कॉलम एंड देन 2014 का जो कॉलम है वो तो आपको पता ही है बनेगा, 2014 का तो इसके बाद में हो जाएगा। सो ओके, अभी हम मैं क्या करता हूँ इसके इसके लिए जल्दी इसके नेम लिख देता हूँ। नेम यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एज पर इट्स नॉर्म्स, इधर लाइबिलिटीज आती हैं, इधर आएगी 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, इधर आएगा एसेट्स, इधर अगेन 2011, 2012, 2013 एंड देन अगेन 2014। ओके,
सो एसेट्स में कुछ आएगा नहीं, एसेट्स लाइबिलिटीज के अंदर तो कुछ आएगा नहीं। एसेट्स में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप लोग लिखोगे, और इसके अंदर आप लिखोगे हायर परचेज डेप्टर, हायर परचेज डेप्टर, और उस इसमें आप अमाउंट लिखोगे फर्स्ट ईयर 4,75,500, ये वाली अमाउंट आप लिखोगे। इसके बाद में आप लोग लिखोगे 3,17,000, इसके बाद में आप लोग लिखेगी 1,58,500, और 2014 में कुछ बचेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा दो पार्टीज, हायर परचेजर हायर वेंडर, हायर परचेजर था ए, हायर परचेजर था बी। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने देखा जनरल जनरल आप जनरल एंट्रीज आप लोगों ने क्रिएट की, मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने बनाया मशीनरी अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट आप लोगों ने बनाया, और आप लोगों ने बनाई बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूछी गई थी। फिर बी की अगर बात करूं मैं, तो बी में आप लोगों ने क्या बनाया, आप लोगों ने बनाया जनरल एंट्रीज बनाई, इसके लिए जनरल एंट्रीज आप लोगों ने बनाई। जनरल एंट्रीज के बाद में आपने बनाया मिस्टर एस अकाउंट, मिस्टर एस अकाउंट, और आप लोगों ने क्या बनाई, आप लोगों ने बनाई इसकी बैलेंस शीट, आप लोगों ने इसके साथ इसकी क्या बना दी, बैलेंस शीट बना दी। तो देखिए इसके अंदर आप लोगों ने सारे के सारे जो अकाउंट जो इसके अंदर पूछे गए थे वो आप लोगों ने बना लिए हैं। अभी जो आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये बिल्कुल आप लोगों का कंप्लीटेड है, कंप्लीट है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, इस इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है वो आपका कंप्लीट है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट, और इसके बाद में जो इसके इलस्ट्रेशन है वो हम लोग करेंगे कैरी ऑन अगली जो अपनी क्लास होगी उससे। टिल दैट अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग क्या करिए, हमको कमेंट करिए, और आप लोग हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको आप लोग हमको कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और आप हमारा CMA.adda जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का पता लगाने के लिए आप लोगों को पता ही है, जो सेम यूट्यूब का लोगो है वही सेम लोगो उसी टेलीग्राम ग्रुप का है। टिल दैट इंजॉय, थैंक यू, और कोई दिक्कत है तो मैंने आपको बताई दी आप लोगों को कैसे कॉन्टेक्ट करना है। ओके, थैंक यू क्लास।